हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग विषय भूगोल कक्षा दस किताब का नाम भारत संसाधन एवं उपयोग के खंड क इकाई एक भारत संसाधन एवं उपयोग के अंतर्गत पाठ संख्या ग वन एवं वन प्राणी संसाधन पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे आइए अब हम लोग इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करें भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था तो इसका सही उत्तर है उन्नीस दशमलव सताइस प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो यह बीस दशमलव साठ प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है तो यह सात प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है पूर्वोत्तर राज्यों के एक सौ अट्ठासी आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है तो यह साठ दशमलव ग्यारह प्रतिशत वन है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है यह मध्य प्रदेश में है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तीन वर्गों में उन्नीस सौ इक्यावन से उन्नीस सौ अस्सी तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है तो यह छब्बीस हजार दो सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद छियालीस सैंतालीस और इक्यावन ए में भी इसे रखा गया है एक एनजीओ की वाणी की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था तो यह 1948 में पूरे विश्व में चार अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण उन्नीस के कौन सा कन्वेंशन हुआ था तो उन्नीस में वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है तो यह घड़ियाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदर वन में टिक्सॉल का उपयोग होता है कैंसर रोग में चरक का संबंध किस देश से था भारत से आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करें प्रश्न संख्या एक तो लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग ए से डिनोट करेंगे ए का पहला प्रश्न बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए तो इसका उत्तर पेज संख्या 48 48 में दिया हुआ है वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है मात्र छः हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1 प्रतिशत है बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है पश्चिम चंपारण मुंगेर बांका जमुई नवादा नालंदा गया रोहतास कैमूर और औरंगाबाद जिलों के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है जिसका कुल क्षेत्रफल सैंतीस वर्ग किलोमीटर है शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र है प्रश्न संख्या दो वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए तो वन विनाश के मुख्य कारक या कारण कौन से हैं इसको हम लोग देखेंगे पेज संख्या पचास में इसका उत्तर है लघुतरीय प्रश्न संख्या दो का उत्तर यहाँ पर है वन विनाश के बहुत सारे कारण हैं वन संपदा का ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक और व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्ग और सड़क का विकास किया लेकिन आज़ादी के बाद वन और वन जीवों का पर लगातार आक्रमण बढ़ने लगा विकास के नाम पर वनों का विनाश शुरू हो गया मानवीय हस्तक्षेप भी एक मुख्य कारण है पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण और विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन किया जा रहा है कृषिगत भूमि का फैलाव भी एक बहुत बड़ा कारण है वन के ह्रास का बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजना जो उन्नीस के बाद शुरू हुई और आज तक चलती जा रही है तो नदी घाटी परियोजनाओं के कारण भी वन क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं तेजी से खनन कार्य भी बढ़ रहा है और तेज़ी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्षरण यानी कि ह्रास ह्रास हो रहा है पशु चरण ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग रेल मार्ग सड़क मार्ग निर्माण औद्योगिक विकास नगरीकरण ये सब अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से वन का ह्रास और वन जीवों का ह्रास हो रहा है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए इसका उत्तर पेज संख्या 45 और 46 में दिया हुआ है वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हम सफर हैं वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है यह केवल एक संसाधन नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है इससे हमारा अटूट संबंध है वास्तव में वन प्रकृति का एक अमूल्य संसाधन है सृष्टि के आरंभ से ही मानव इसके आँचल में पोषित होता रहा है वन एवं वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है यह इस जीवमंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है प्रश्न संख्या चार वन्य जीवों के ह्रास के चार प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए इसका उत्तर पेज संख्या तिरपन में है फिफ्टी थ्री इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बड़े बड़े तीन तीन पॉइंट्स में छुपा हुआ है उसको हम लोग वन बाई वन देखते हैं तो वन जीवों के ह्रास के कुछ प्रमुख कारण हैं पहला जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि औद्योगिक विकास शहरीकरण बड़े बांध या अन्य परियोजनाएँ यातायात की सुविधा में वृद्धि ये सब के वजह से क्या हो रहा है कि जानवरों के जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास छीन रहे हैं और इस वजह से उनके संख्या घट रही है और वन जीवों का ह्रास हो रहा है दूसरा मुख्य कारण है कि इस वजह से प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है चाहे वह भूमि प्रदूषण हो जल प्रदूषण हो वायु प्रदूषण हो या फिर अन्य ध्वनि प्रदूषण हो तो प्रदूषण के बढ़ने की वजह से जीवों की संख्या में कमी हो रही है कुछ और वजह है इन प्रदूषणों की वजह से किरणें बढ़ रही हैं अम्ल वर्षा हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है और इसके वजह से वायु जल मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है और इसके वजह से वन और वन जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है और इसके वजह से उनका ह्रास हो रहा है कुछ अन्य कारण है जैसे रंग बिरंगे तितलियों को लेकर मेढक पक्षियों या जंगली जानवरों कछुआ तोता एवं अन्य स्थानीय परिंदों का अवैध शिकार कर इन्हें बेचा जाता है और इस तरह से अवैध शिकार भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है इस तरह से वन्य जीवों के ह्रास के यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं किसी चार पॉइंट को चुना जा सकता है वन एवं वन जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए तो इस प्रश्न का उत्तर एक ही जगह पर नहीं है पेज संख्या चौवन चौंसठ पैंसठ छियासठ सभी पृष्ठों में इसके कुछ कुछ अंश हैं तो वन और वन जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख करना है भारत में आदिकाल से वन और वन प्राणियों के महत्व को स्वीकार किया गया है प्रत्येक धार्मिक कृतियों तथा विभिन्न पौराणिक एवं कर्म कांड साहित्य में वन और वन प्राणियों को महत्व दिया गया है ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में सौ से अधिक पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेतों में उगाते हैं भारत के शासकों ने भी प्राकृतिक संरक्षण पर बल दिया है ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अशोक ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था शायद यह विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है कि अशोक ने प्रकृति के महत्व को स्वीकार करते हुए वन जीव जंतुओं के शिकार पर अंकुश एवं संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेखों में अंकित कराया था मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीर उद्दीन बाबर और जहांगीर के आलेखों में भी प्राकृतिक संरक्षणवाद का उल्लेख मिलता है मुगल चित्रकला की कृतियों में भी वन और वन प्राणियों से प्रेम का संबोधन होता है सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं और राजस्थान के अलवर जिले में पांच गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको बिहार चोरी घोषित कर दिया जिससे अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के अन्य वन्य जीव जीवन को बचाते हैं आदिवासी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए आसपास के परिवेश पर निर्भर करते हैं और यह वन जीवों के आखेट मछली पकड़ना जंगली फल कंद बीज आदि प्राप्त करना सीमित मात्रा में कृषि साधन आदि से ही अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन भी कई तरीके से इम्पॉर्टेंट है उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया यह 1988 में हुआ था तो इस तरीके से ग्रामीण और वन विभाग दोनों मिलकर इस तरह से वन की सुरक्षा करते हैं भारत में जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी अहिंसा प्रेमी होते हैं ये धर्म अहिंसा परमो धर्म पर आधारित है जैन समुदाय के बीच सूक्ष्म जीवों को भी हत्यावर्जित है अतः वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण में इसका काफ़ी योगदान रहता है महात्मा बुद्ध ने भी चार सौ सतासी पूर्व में कहा था कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदार जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दान सीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं की पर चलाने वाले पर भी छाया प्रदान करता है तो इस तरह से यह इसका विस्तृत उत्तर हुआ प्रश्न संख्या छः चिपको आंदोलन क्या है इसका उत्तर पेज संख्या पैंसठ में दिया हुआ है यह रहा उत्तर चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा उन्नीस में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों या पौधा को घेर लेते थे और इससे उनकी रक्षा करते थे इसे कई देशों में स्वीकार किया गया यह रहा एक फोटोग्राफ्स जिसमें पेड़ को काटने से बचाने के लिए स्त्रियां उसको घेर कर खड़ी हैं लोग घेर कर खड़े हैं और इसे ही बोला गया चिपको आंदोलन प्रश्न संख्या सात कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है इसका उत्तर पेज संख्या इक्यावन में दिया हुआ है हिमालय यव चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है चीड़ी की छाल पत्तियों टहनियों और जड़ों से टैक्सॉल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है प्रश्न संख्या आठ दस लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए इनका उत्तर पेज संख्या बावन फिफ्टी टू में दिया हुआ है यह रहा इसका उत्तर विलुप्त होने वाले बहुत सारे जीव जंतुओं का नाम कृष्णासार चीतल भेड़िया अनुपमृक नील गाय भारतीय कुरंग बारह सिंगा चीता गेंडा गिर सिंह मगर हसावर हवासील, सारंग श्वेत सारस घूसर बगुला पर्वतीय बटेर मोर हरा सागर कछुआ कछुआ डियू गोंग लाल पांडा इत्यादि बहुत सारे हैं इनमें से किसी दस को चुनकर लिखा जा सकता है प्रश्न संख्या नौ वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए इसका उत्तर पेज संख्या फिफ्टी थ्री में दिया हुआ है प्रदूषण जनित समस्याएं बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को जन्म दिया है इनमें वन्य जीवों की संख्या में कमी के कारण कई है किरणें अम्ल वर्षा हरित गृह प्रभाव इसके अतिरिक्त वायु जल मृदा प्रदूषण के कारण वन और वन जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधों या जंतु का जन्म ही नहीं हो सकता फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद वन जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं प्रश्न संख्या दस, भारत के दो प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम क्षेत्रफल तथा राज्यों का नाम बताएं। इसका उत्तर पेज संख्या बहत्तर पर दिया हुआ है यहाँ इस लिस्ट में से हम लोग किसी दो को चुन सकते हैं जैसे नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व का नाम हो गया इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किलोमीटर है और राज्य तो यह तमिलनाडु केरल और कर्नाटक राज्य के इन जगहों पर है वायनाड नागरहोल बांदीपुर मुदुमलाई नीलम्बूर साइलेंट वैली सिरुवली पहाड़ियाँ इत्यादि और ये तीन राज्यों में फैले हुए हैं दूसरा है नंदा देवी यह कुल भौगोलिक क्षेत्र दो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह उत्तराखंड राज्य के चमोली पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जिलों का भाग है आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करें इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे तो बी में कुल पाँच प्रश्न हैं प्रश्न संख्या एक वन एवं वन जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए तो वन एवं वन जीवों के महत्व को हम लोग पेज संख्या सड़सठ अड़सठ और उनहत्तर में देखेंगे सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधों और जंतुओं को वन जीव कहते हैं इस प्रकार पादप और जंतु वन जीवों के दो भाग हैं और ये जैव मंडल के और यह जैव मंडल के अभिन्न अंग हैं यह हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर हैं वन जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनमें हमें भोजन वस्त्र के लिए रेसें खालें आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पादन प्राप्त होता है इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करती है तो पहले हम लोग फ्लोरा यानी पादप जगत को देखेंगे पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमाऊ तक है यहाँ चीड़ देवदार कोणधारी वृक्ष का फैलाव है और इस तरीके से यहाँ पर अल्पाइन वन का विस्तार पाया जाता है दूसरा पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेंत फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं असम वनस्पति क्षेत्र यह ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है और यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं जिसमें घने बांस और लंबी घासों के झुरमुट मिलते हैं सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र यह पंजाब राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान को शामिल किया गया है जिसमें बबूल नागफनी खेजरी ओक आदि प्रमुख पौधे हैं गंगा के मैदानी वनस्पति क्षेत्र जो अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसके अंतर्गत रखे गए हैं यह कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां तहां बांस, साल खैर के वृक्ष पाए जाते हैं दक्षिण का पठारी वनस्पति क्षेत्र इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र शामिल है जिसमें पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जंगली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं मालाबार वनस्पति क्षेत्र यह पश्चिमी तटीय क्षेत्र रखा गया है जिसमें गर्म मसाले सुपारी नारियल रबड़ के वृक्ष के अलावा काजू चाय कॉफी के वृक्ष पाए जाते हैं अंडमान वनस्पति क्षेत्र यहाँ पर सदाबहार अर्ध सदाबहार और समुद्र तटीय जंगलों की प्रमुखता है आइए अब हम लोग जंतु क्षेत्र देख लें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है जिनको निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है इसमें प्रोटिस्टा अर्थोपोडा मोलास्क अन्य अकसेरु प्रोटोकार्डेटा मछलियाँ अभायचर सरीसृप पक्षी स्तनपाई ये सब हैं इसके अलावा कई लुप्त प्राय होने वाले भी जीव जंतु हैं और यह सब प्रकार के जीव जंतु या वनस्पति या पेड़ पौधे हमारे बहुत उपयोगी हैं जिन्हें हम चतुराई से और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं और विकास के नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं प्रश्न संख्या दो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए जिसका उत्तर पेज संख्या सैंतालीस और अड़तालीस में दिया हुआ है यह रहा उत्तर वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को पांच वर्गों में रखा गया है अत्यंत सघन वन सघन वन खुले वन झाड़ियां एवं अन्य वन मैंग्रोव वन पहला अत्यंत सघन वन भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार चौवन दशमलव छः लाख हेक्टेयर भूमि पर है जो कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का एक दशमलव छियासठ प्रतिशत है यह असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व पचहत्तर प्रतिशत से अधिक है दूसरा सघन वन इसके अंतर्गत तिहत्तर दशमलव साठ लाख हेक्टेयर भूमि आता है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का तीन प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश सिक्किम मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है और वनों का घनत्व तो बासठ दशमलव निन्यानवे प्रतिशत है तीसरा खुले वन दो दशमलव उनसठ करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का सात दशमलव बारह प्रतिशत है कर्नाटक तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश उड़ीसा के कुछ जिले एवं असम के सोलह आदिवासी जिले में इस प्रकार के वनों का विस्तार है असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व तो तेईस दशमलव नवासी प्रतिशत है चार झाड़ियों एवं अन्य वन राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वनों का घना तो दस प्रतिशत से भी कम है इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है इसके अंतर्गत दो दशमलव चार पाँच नौ करोड़ हेक्टेयर भूमि आता है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का आठ दशमलव अड़सठ प्रतिशत है पांचवा मैंग्रोव या तटीय वन विश्व के तटीय वन क्षेत्र मैंग्रोव का मात्र पाँच प्रतिशत यानी चार हजार पाँच सौ किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदर में है इसके बाद गुजरात अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं कुल मिलाकर बारह राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन है जिनमें आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटक महाराष्ट्र उड़ीसा तमिलनाडु पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार पुडुचेरी केरल दमन दीव शामिल हैं देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र जीरो दशमलव चौदह प्रतिशत क्षेत्र यानी कि चार दशमलव चार लाख हेक्टेयर में ही मैंग्रोव है पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र अर्थात सैंतालीस दशमलव छः प्रतिशत क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात है यहाँ इक्कीस प्रतिशत क्षेत्र में मैंग्रोव का विस्तार है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहाँ मात्र चौदह प्रतिशत क्षेत्र में मैंग्रोव फैला है प्रश्न संख्या तीन जैव विविधता क्या है यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है विस्तार से लिखिए तो जैव विविधता के डिफिनीसन्स जो हैं यह पेज संख्या उनहत्तर सत्तर इकहत्तर में है और मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पेज संख्या तिहत्तर में है यह रहा इसका उत्तर जैव विविधता क्या है तो जैविक उद्यान एक तरीके से जैव विविधता का ही उदाहरण है और किसी भी जैविक उद्यान में क्या होता है तो हर तरह के पेड़ पौधे होते हैं हर तरह के जीव जंतु होते हैं छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़ा तक हरेक वैरायटी के पेड़ पौधे हरेक वैरायटी के जीव जंतु होते हैं और उन्हीं को ही हम जैव विविधता कहते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि जैविक उद्यान एक तरीके से जैव विविधता का ही छोटे स्तर पर उदाहरण है क्या आप खास बात है यहाँ हरेक तरह के छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे होते हैं दूसरी ओर बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के वृक्ष भी होते हैं उस पर हर एक तरह के जीव जंतु होते हैं जैसे बंदर सिंह गेंडा मगरमच्छ पेड़ पर पक्षियों की चहचहाट चा, होती है रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं जैसे कि सांप, छिपकली, मगरमच्छ घड़ियाल और इस तरह से यही एक तरीके का जैव विविधता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं यह भूमंडल जो हम सबों का आवास है सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष, हाथी ब्लूवेल तक करोड़ों जीवधारी अधिवास करते हैं और सही अर्थों में यह पृथ्वी जैव विविधता का भंडार है हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है इसकी गणना विश्व के बारह विशाल जैव विविधता वाले देशों में की जाती है यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का आठ प्रतिशत लगभग सोलह लाख पाई जाती है जैव विविधता के संदर्भ में अभी भी हमारा ज्ञान बहुत कम है इस भूमंडल पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जातियाँ प्रजातियाँ उपजातियाँ संख्या से कहीं अधिक होने की संभावना है और यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वर्ष लगभग दस हज़ार नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति हो रही है आइए अब इस प्रश्न संख्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीन का दूसरा हिस्सा करें जैव विविधता मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसका उत्तर जैव विविधता हमारे लिए भोजन दवाइयाँ रेसों रबड़ और लकड़ियों का साधन है कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुमूल्य उत्पाद तैयार करने के लिए उद्योगों में प्रयोग होता है यह हमें मुफ्त में बहुत सारे पारिस्थितिकी सेवा प्रदान करता है जैव विविधता की मुख्य उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं आधुनिक कृषि तीन प्रकार से जैव विविधता का उपयोग करता है नवीन फसल के साधन के रूप में अच्छे प्रकार के नस्ल के लिए सामग्री के रूप में नए जैव विनाश पीड़ानाशी के रूप में प्रश्न संख्या चार विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास का कारण है तो इसका उत्तर पेज संख्या पचास और तिरपन दोनों में है यह रहा है इसका उत्तर बहुत सारी मानवीय क्रियाएं जैसे प्रशासनिक व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्ग और सड़कों का विकास करना मानवीय हस्तक्षेप से वन जीवों और वनों का ह्रास होना पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण विभिन्न तरीके से वन संपदा का दोहन करना कृषिगत भूमि का फैलाव करना नदी घाटी परियोजना तेजी से खनन कार्य पशुचारण ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग रेल मार्ग सड़क मार्ग निर्माण औद्योगिक विकास नगरीकरण ये सब कई कारण हैं जिसकी वजह से वन और वन जीवों का ह्रास हो रहा है जैसे तेजी से जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि हुआ औद्योगिक विकास शहरीकरण बड़े बांध यान परियोजनाएँ बनी और तेज़ी से इन जीव जंतुओं का प्राकृतिक अति आवास का अतिक्रमण हुआ यह सब मानवीय क्रियाएं थीं जिसके वजह से क्या हुआ कि पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का ह्रास होने लगा प्रदूषण जनित समस्याएं कि इंसानों की संख्या तेज़ी से बढ़ी और उसकी वजह से औद्योगिक विकास शहरीकरण हुआ और इन सभी के वजह से क्या हुआ प्रदूषण बढ़ने लगा यह प्रदूषण वायु जल मृदा प्रदूषण के रूप में दिखा कहीं कहीं ध्वनि प्रदूषण के रूप में भी दिखा और इसकी वजह से किरणों का प्रभाव बढ़ गया अम्ल वर्षा बढ़ गई हरित गृह प्रभाव बढ़ गया और इसके वजह से वन और वन्य जीवों के जीवन चक्र पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा जिससे उनका जीवन चक्र छोटा हो गया और इस तरह से तेजी से वन और वन जीवों का ह्रास होने लगा आर्थिक लाभ भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इंसान अपने आर्थिक लाभ के वजह से विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे तितलियों पक्षियों मेढकों जंगली जानवरों कछुआ तोता अन्य परिंदों का अवैध शिकार कर इन्हें बेचने लगा और आर्थिक लाभ के लिए खास प्रकार के वन और वन जीवों को चुनिंदा बनाया और इसकी वजह से कुछ खास बचे रह गए और बहुत सारे नष्ट होते चले गए लुप्त तो होने लगे तो इस तरह से ये सब मानवीय क्रियाएं हैं और इसके वजह से वन और वन जीवों का ह्रास तेजी से हुआ प्रश्न संख्या पाँच भारतीय जैवमंडल क्षेत्र की चर्चा विस्तार से कीजिए इसका उत्तर पेज संख्या इकहत्तर और बहत्तर में दिया हुआ है कह रहा है इसका उत्तर भारत में चौदह मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है यह रहा जयमंडल रिजर्व आरक्षित क्षेत्र का नाम चौदह है और यही पूरा चार्ट इस प्रश्न का उत्तर हो गया इस लाइन में हम लोग देखेंगे कि यह सारे आरक्षित जयमंडल क्षेत्र का नाम दिया हुआ है इसमें सभी आरक्षित क्षेत्र का उनके नाम के सामने वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल बताया गया है और यहाँ पर राज्यों के नाम के साथ स्थिति बताई गई है कि कौन किस जिले में स्थित है इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तर किया आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगेगा इससे पूर्व भी बहुत सारे वीडियोज़ इस कक्षा के बनाए गए हैं आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं उन सभी का लिंक मेरे आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको यदि आज का यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद